खबर चंदौली से है, जहां चकिया लतीफ सा मार्ग पर अनियंत्रित होकर स्विफ्ट डिजायर कार नहर में गिर गई। कार में 6 लोग सवार थे, जिसमें 5 लोग बाहर आ गए और एक युवक सीट बेल्ट के कारण कार के भीतर ही फंस गया, जिसे रेस्क्यू कर पुलिस ने नहर से बाहर निकाला और जिला अस्पताल भेजा, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना चकिया कोतवाली क्षेत्र की है, जहाँ लतीफ सा डैम पर घूमने के लिए सैलानी भारी संख्या में इकट्ठा होते हैं। कार सवार सभी युवक चंदौली जिले के ही मुगलसराय क्षेत्र के रहने वाले थे, जो पिकनिक मनाने लतीफ सा डैम जा रहे थे। इसी बीच डैम से कुछ ही दूर पहले उनकी कार अनियंत्रित होकर बड़ी नहर में जा गिरी। नहर में पानी लबालब भरे होने के कारण 5 युवक कार में डूब कर फंस गए, जिसमें 5 युवक को ग्रामीणों के प्रयास से बाहर निकाला गया, लेकिन एक युवक कार के भीतर ही फंसा रहा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से कार को खींचकर नहर से बाहर निकाला, जिसके भीतर फंसा युवक सीट बेल्ट से बांधा हुआ मिला। पुलिस ने उसे उपचार के लिए जिला चिकित्सालय भिजवाया, लेकिन जिस चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। चंदौली से हमारे संवाददाता सुजीत तिवारी की रिपोर्ट। मामला ये कि स्विफ्ट डिजायर पे सवार होकर के 6 बच्चे थे, करीबन 25 से 30 साल उम्र होगी, मुगलसराय से लतीफ शाह घूमने जा रहे थे कि अचानक तेज ड्राइव के कारण जो है गाड़ी जो है डिसबैलेंस हो गई और गाड़ी जो है नहर में पलट गई। कितने लोग बचे हैं, सुरक्षित निकाला गया है कि अभी कुछ लोग बचे हैं? नहीं, सुरक्षित तो 5 को निकाल लिया गया है, लेकिन इसमें 3 की हालत गंभीर है। 3 की हालत गंभीर है, अपने जिला संयुक्त चिकित्सालय चकिया में भर्ती कराया गया है। ठीक है, मौत हुई है, क्या है पूरा मामला? ये लोग मुगलसराय से शायद आ रहे थे यहाँ लतीफ साहब घूमने के लिए, उनकी कार नहर में पलट गई, जिसमें 4-5 लोग तो निकल गए, लेकिन जो एक बगल में बेड सीट लगाए थे उनकी शायद मौत हो गई। पुलिस लेके आई हमारे यहाँ, हमने चेक किया तो एक्सपायर थे, हम अपने मर्सिडीज में रखवा दिए उसको पोस्टमार्टम के लिए। कुछ घायल भी है क्या? 4-5 लोग थे लेकिन हमारे यहाँ नहीं आए हैं।